रामचंद्र जी का यही पक्ष सबसे ज्यादा अपने जीवन में उतारा है। गांधी जी जो हर समय राम 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 कहते हैं, और कई बार गांधी जी को मजाक करते हुए अंग्रेज कहते हैं कि क्या राम 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 आपने कह रखा है, तो गांधी जी उसका जवाब देते हैं और बहुत अच्छा जवाब देते हैं। माउंटबेटन को जवाब दिया है, अंग्रेजों के कई अधिकारियों को वो कहते हैं कि राम 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 मैं ऐसे नहीं करता, रामचंद्र जी के कुछ गुण मुझमें आ जाए उसकी कोशिश करता हूं। तो एक बार माउंटबेटन को पूछ रहा है कि आपने कितने गुण ले लिए रामचंद्र जी से, उन्होंने कहा एक ही ले पाया कि लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित करना, ये राम जी का गुण है, ये एक ही मुझमें आ गया। और गांधी जी भी क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं लोगों से कि देखो आजादी तुम्हें लानी है, तुम काम करो, तुम खड़े हो, अंग्रेजी की लाठी खाओ, गोली खाओ, गाली खाओ, अपमान सहो, तुम खड़े हो जाओ, मैं सत्याग्रह करूंगा लेकिन तुम नहीं करो। तो राम का ये जो गुण है, शायद मैं मानता हूं ये भारतीयता का सबसे बड़ा गुण है। भारतीयता का यही गुण हमको कृष्ण में भी दिखाई देता है, कभी दोबारा कृष्ण कथा पर बात करूंगा तो विस्तार में, लेकिन संकेत करता हूं आज आपसे कृष्ण के जीवन की जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ में आती है, बहुत अपील करती है ये, उन्होंने अपने हाथ से कुछ नहीं किया, दूसरों से कराया, अपने हाथ से तो बस एक ही काम किया, जरा सत्य का व्रत किया, और वो भी किसी संकल्प में बंधे होने के कारण किया, शायद वो भी नहीं करते कोई और संकल्प नहीं होता, कुछ भी अपने हाथ से नहीं किया, अर्जुन से कराया, युधिष्ठिर से कराया, पांडवों से कराया, द्रौपदी से कराया, कौरवों से कराया, जिससे जो बन पड़ा वो करवाया, प्रेरित किया करवाया, प्रेरित किया करवाया। केमिस्ट्री में हम उसको कैटलिस्ट कहते हैं, सारी भूमिका उनकी कैटलिस्ट की है कृष्ण की। ये राम में से आई भाषा, राम ने यह स्थापित किया है एक गुण कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर देंगे, जब तक आप हैं तब तक ठीक है, जब आप चले गए फिर क्या होगा, तो समस्याएं फिर आने वाली है और ये फिर किसी दूसरे का इंतजार करेंगे, और इतने साल इंतजार के बाद फिर कोई मिलेगा, तब तक ये उसी दुख में पड़े रहेंगे, नर्क में पड़े रहेंगे। तो इनको सक्षम बनाना है अपनी समस्याओं के समाधान से, ये कहकर जब वो जाते हैं तो वशिष्ठ कन्विंस हो जाते हैं कि तब तुमको सेना की जरूरत नहीं है, संसाधनों की जरूरत नहीं है, तुमको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम जाओ, फिर आशीर्वाद उनको मिलता है। इसमें इस जो सीख है उनकी, ये जो गुण है उनके, जो उनका स्वभाव बना है राम का, इसमें बहुत बड़ी भूमिका विश्वामित्र की, वशिष्ठ की तो भूमिका है ही, क्योंकि वशिष्ठ तो उनके राज्य के गुरु जैसे है। विश्वामित्र ने विद्या सिखाई है राम को, ये जो बाण की विद्या है, धनुष चलाने की विद्या है, तो विश्वामित्र की सिखाई गई है, और विश्वामित्र नाम को एक बहुत बड़ी सीख देते हैं जो उनके जीवन पर काम आती है। वो ये कहते हैं देखो शास्त्रों की विद्या जितनी आवश्यक है, शास्त्रों की विद्या भी उतनी ही आवश्यक है। तुमने शास्त्रों की विद्या बहुत की रखी है, वशिष्ठ ने तुमको सब तरह से पढ़ा दिया है, वेदों का अध्ययन तुम कर चुके हो, उपनिषद तुम्हें मालूम है, वेदों का मर्म तुम जानते हो, उपनिषद तुम्हें कंठस्थ है वगैरह वगैरह, ये सब वो वशिष्ठ से सीख लिया। शास्त्र विद्या तुमको नहीं आती है क्योंकि वशिष्ठ का उस पर पारंगत नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है, वो मुझे आती है, वो भी तुमको उतनी ही गंभीरता से सीखनी है जितनी गंभीरता से शास्त्र विद्या सीखी है। क्यों? तो विश्वामित्र उनको समझाते हैं कि ज्ञान को संरक्षण रखने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, राज्य को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। तो वो ये कहते हैं कि शक्ति को नकार नहीं सकते, वो कहते हैं अहिंसा होना ठीक है लेकिन ताकतवर अहिंसा, कमजोर अहिंसा होना तो कोई मजबूरी की बात है। हिंसा अहिंसा का बहुत लंबा संवाद है राम का और विश्वामित्र का। तो राम कहते हैं हम तो अहिंसा वाले हैं, हमको क्या जरूरत है बाण की, धनुष की, गदा की और ये। तो वो कहते हैं कि अहिंसा का पालन तो कोई ताकतवर ही करता है, कोई महावीर ही करता है, साधारण लोग अहिंसा पालन नहीं कर सकते। तब राम जी को यह समझ में आता है, तब वो तैयार होते हैं शस्त्र विद्या को, और फिर शस्त्र विद्या में उतने ही पारंगत होते हैं जितने वो शास्त्र विद्या में,
और विश्वामित्र उनको जब चलते हुए कहते हैं, जब वो उनके आश्रम से जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि तुमको अपने जीवन के पूर्वार्ध में शस्त्र विद्या की ही आवश्यकता होगी और तुम्हारे जीवन का जो उत्तरार्ध है उसमें शास्त्र विद्या की आवश्यकता होगी, इसलिए तुम्हें अभी आवश्यक है शस्त्र विद्या। शास्त्र विद्या का शायद उत्तरार्ध में, शायद विश्वामित्र कोई दीर्घदर्शी होंगे जिनको उनका आगे का जीवन दिखाई दे रहा है कि कैसा होने जा रहा है, रावणों से युद्ध होने वाला है, राक्षसों से युद्ध होने वाले, तो वो कह रहे हैं शस्त्र विद्या का ही आवश्यक है, तो शस्त्र विद्या में पारंगत होते और वन गमन के लिए जाते हैं। तो वशिष्ठ कहते हैं कि अभी मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारे मन में इतनी स्पष्टता है तो अब तुमको सेना की जरूरत नहीं है, चाकरों की जरूरत नहीं है, नौकरों की जरूरत नहीं है, संसाधनों की जरूरत नहीं है, तुम जहां जाओगे वहीं ये सब आ जाएंगे। और वो निकल जाते हैं, और जब निकलते हैं तो सबसे ज्यादा समय उनका बीता है 14 वर्ष का भारत के साधारण लोगों के बीच में, जिनको आज की भाषा में, खराब भाषा में हम आदिवासी कहते हैं, और सरकार की तो गाली की भाषा में शेड्यूल ट्राइब्स है या शेड्यूल कास्ट है, सरकार तो सीधी गाली ही देती है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ये सब गाली है। राम की भाषा में ये कही गई है, पूरे रामचरित मानस में, पूरे कंबल रामायण में, वाल्मीकि रामायण में मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं देखा आदिवासी, शब्द है वनवासी, क्योंकि वनों के बीच में रहते हैं, कि आदिवासी कहां से आते हैं हमारे देश में। आदिवासी शब्द के लिए मैं बहुत कोशिश करता रहा जानने की कब से प्रयोग हो रहा है हमारे देश में, राम के जमाने में नहीं है, कृष्ण के जमाने में भी नहीं है, पता चला कि यह शब्द लगभग 200 साल पुराना है, अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। और अगर हम सही मायने में देखें तो हम सभी आदिवासी जंगल में रहते हो, आदिवासी वाले निरंतर रहने वाले लोग एक ही स्थान पर, वो सभी आदिवासी, तो हम तो सभी आदिवासी हैं, लेकिन हमारा क्लासिफिकेशन हो गया शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, अपर बैकवर्ड क्लास, लोअर क्लास, पता नहीं कितने तरह के स्ट्रेटिफिकेशन, ये सब अलग। राम जी जा रहे हैं उन लोगों के बीच में जो बंद रहते हैं, कंजराओं में रहते हैं, और उनको वो वनवासी कह के संबोधित करते हैं, और ये इज्जत का शब्द है, छोटा शब्द है। इसकी एक बार लक्ष्मण के साथ उनकी वार्ता है इस विषय पर, वनवासी शब्द, लक्ष्मण को यह शब्द पसंद नहीं आता। राम कहते हैं ये सब हमारे भाई बांधव हैं, वनवासी हैं, बस इतना ही अंतर है, हम पहलों में रहते हैं, ये वनों में रहते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि ये तो कुछ कम अकल वाले दिखाई देते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कम बुद्धि वाले हैं, कम ऐसा ऐसा वो बोल रहे। राम थोड़ा सुनते हैं, फिर थोड़े नाराज होते हैं, कहते हैं अभी तुम सुनो ये क्या है। तभी वो वर्णन करते हैं कि ये वन क्या है, बहुत लंबा वर्णन और बहुत ही अच्छा है, मैं मानता हूं कि भारत के सब छोटे बच्चों को वो पढ़ना चाहिए, ये वन क्या है उसकी डेफिनेशन वो दे रहे हैं, और वनों में ये जो तरह तरह के पेड़ हैं, पौधे हैं, इनकी परिभाषाएं दे रहे हैं, पेड़ पौधों पर बैठने वाली जो चिड़िया हैं, पक्षी हैं, उनकी परिभाषाएं दे रहे हैं, फिर इसमें छोटे छोटे जो कीट हैं, पतंगे हैं, उनकी परिभाषाएं दे रहे हैं, और वो लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि ये सब है इसलिए तुम हो, तुमसे ये नहीं। भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की इससे बड़ी कोई डेफिनेशन दुनिया में नहीं हो सकती। ये जो सारी दुनिया में आज समस्या पैदा हुई है ना, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण, मैं मानता हूं श्री राम जी से ज्यादा पर्यावरण को समझने वाला कोई नहीं। जब वो बात कहते हैं कि देखो ये छोटे छोटे जो जीव है, कीट है, पतंगे है, उनकी संख्या बताते हैं, लक्ष्मण को गिनाते हैं और 84 लाख। अब हमने कई बार सुना है कि 84 लाख योनियां होती हैं, वो योनियां क्या है, वो तरह तरह के जीव जंतुओं की जातियां प्रजाति है। तो ये कहते हैं कि इनमें से हर एक का महत्व है। आधा घंटे का रामचंद्र जी का व्याख्यान है लक्ष्मण को चींटियों पर, आधा घंटे का, आधा घंटे को चींटियों के गुण बताए, देखो चींटी क्या होती है, कैसी होती है, क्या करती है। वहां पढ़कर मुझे पता चला, जो बाद में मैंने कंफर्म किया तो सच है, वो ये कहते हैं कि ये अद्भुत जीव है जो कभी सोती नहीं, तो वास्तव में चींटी सोती है, ये अद्भुत जीव है जो अपने लिए कुछ करती नहीं, जो भी करती है परिवार के लिए करती, अपने लिए
भी सही है। और ये अद्भुत जीव है जो सबसे ज्यादा संयमी है, क्योंकि जब बहुत क्राइसिस होती है तभी घर से बाहर आती है कुछ लेके जाने के लिए, नहीं तो आती ही नहीं। बचपन में मुझे याद आता है जब बहुत सारी चींटियां घर में निकलती थी और मेरी माता जी कहती थी जा आटा डाल के आ, तो जैसे ही आटा डाला तो होता है मैंने उनकी जरूरत पूरी हुई थी मछली जाती। और राम समझा रहे कि प्रकृति में इनका बैलेंस क्या है, अद्भुत बैलेंस है। फिर लगभग 40-45 मिनट का उनका इससे आगे का एक व्याख्यान है लक्ष्मण के लिए, वो है सफेद चींटी, व्हाइट एंड जिसको आजकल हम लोग उसे दीमक में बोलते हैं। दीमक पर 45 मिनट बोला थीसिस की जा सकती है, पीएचडी की जा सकती है। राम ने जो बोला है लक्ष्मण को कंबल राम है, दीमक की क्या उपयोग है हमारे लिए, तो दीमक की एक ही ये है मन में कल्पना कि वो हमारी लकड़ी काट जाती है, हमारा नुकसान कर जाती है, हम उसको मारने की जुगड़ में हमेशा जुगाड़ में लगे रहते हैं, कभी कोई पेस्टिसाइड खरीद के लाते हैं, कभी कोई मिट्टी का तेल डाल के जलाते हैं, किसी न किसी तरह से मारते हैं। रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि अगर ये नहीं है तो तुम्हारा अस्तित्व नहीं। फिर उनसे भी छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका समझाते हैं, और बहुत लंबा संवाद है वो कभी फिर बाद में बात करूंगा, पूरी एनवायरमेंटल साइंस उसमें है। लेकिन राम को ये समझ है और ये बड़ी समझ है, ये समझ जो है ना भारत में इतिहास का अगर हम किस्सा निकालना शुरू करें तो दो चार लोगों को ही ये समझ भारत में है, एक तो रामचंद्र जी को हो गई है, दूसरी महावीर को है ये समझ, जो जैन धर्म की आरती आखिरी तीर्थंकर माने जाते हैं ना 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, उनको ये समझ है उतनी ही है जितनी राम को है। वो शायद ऐसा रहा होगा कि 14,000 इन्होंने भी तपस्या की है, 14,000 लोगों की तपस्या की, शायद ये तपस्या से ज्ञान आता होगा, हो सकता है। तो ये वो समझ है, तब वो बताते हैं कि देखो ये जो बनवासी है ये इन सब के साथ रहते हैं, चींटी के साथ रहते हैं, दीमक के साथ रहते हैं, मक्खी के साथ रहते हैं, मच्छर के साथ रहते हैं, और राम बताते हैं कि देखो इनमें से एक भी जीव ऐसा नहीं है जो अनुपयोगी हो और हम उसको मार सकें, एक भी इसमें से ऐसा। और तब वो सिखा रहे हैं लक्ष्मण को कि हमारे भारत की जो अहिंसा है वो इसमें से निकली, क्योंकि एक भी जीव जब बिना काम का नहीं है तो तुम मार कैसे सकते हो, तो अहिंसा पे जाना ही पड़ेगा तुमको और तुम्हारा क्रोध थोड़ा कम करना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना मेरे साथ जब तक तुम हो कोई भी जीव की हत्या ना होने पाए, ध्यान रखना चलते समय झाड़ू लगाते समय। राम उनको समझाते हैं, आप जानते हैं लक्ष्मण जो है ना उनके माने जो निजी काम है वो लक्ष्मण करते हैं, रामचंद्र जी के निजी काम क्या है जिसको भी आप रहते हैं उसमें झाड़ू लगा रहे, तो राम उनको झाड़ू बनाना सिखा रहे कि झाड़ू कैसी होनी चाहिए, तो बताते हैं आगे से खुली रहनी चाहिए, पीछे से कठोर होनी चाहिए, पकड़ने वाला हिस्सा एकदम गुथा हुआ हो और जो झाड़ू में जमीन पे स्पर्श करने वाला हिस्सा वो खुला हुआ हो ताकि कोई भी चींटी उसके नीचे आए तो मरने ना पाए, बीच में से कर इतना माइक्रो लेवल का डिटेल। तो कहते हैं कि चींटी भी काम की है, मक्खी भी काम की है, मच्छर भी काम का है, उनमें एक भी बेकार नहीं है, और इतने काम के जो जीव जंतु है उनके बीच में जो रहने वाले लोग हैं वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए ये भूल नहीं है, ये अलग बात है कि इनके शरीर पर कपड़े तुमसे कुछ कम है तो वो इन्होंने समझ कर छोड़े हुए हैं, इसलिए नहीं है कि इनके पास नहीं, छोड़े हुए जरूरत नहीं है इसलिए छोड़े। फिर बहुत सारे दूसरे गुण बताते हैं और जातियों के हिसाब से बताते हैं, जैसे भील एक जाति है, भील जाति के लोगों की क्या विशेषता है, हजारों साल से किस तरह की विशेषता है। फिर कोल एक जाति है, कोल जाति की विशेषताएं बता रहे हैं। गोंड एक जाति है जिसके राज्य को गोंड वाला राज्य बोलते हैं, तो गोंड जाति की विशेषताएं बता रहे हैं। ऐसी अलग अलग जातियां जो वनवासियों के बीच में है उनका विस्तार से वर्णन को करते हैं और सबके गुण कर्म और स्वभाव समझा रहे हैं। देखो इन जातियों में ये गुण है, ये इनका कर्म है, ये इनका स्वभाव है, ये इनमें गुण है, ये इनका कर्म है, ये इनका स्वभाव है, ये इनका गुण है, ये कर्म है, ये स्वभाव। और वो कहते हैं कि अगर तुम इनके गुण कर्म स्वभाव को समझ पाओ, फर्क पाओ, तो हमारे साथ इनकी दोस्ती बहुत अच्छी बनेगी और वो बराबर के स्तर की होगी। और अगर तुम इनके गुण कर्म स्वभाव को नहीं समझोगे तो हमारे इनके बीच का जो संबंध होगा वो राजा और प्रजा का होगा,
मालिक और गुलाम का होगा वो हमारे लिए अभिष्ट है। तब लक्ष्मण को थोड़ी समझ आती है और फिर वो कहते हैं कि ये शास्त्र पढ़ो, ये शास्त्र पढ़ो, ये शास्त्र पढ़ो। और लक्ष्मण कहते हैं कि मेरे पास तो शास्त्र नहीं है। तो कहते हैं यहाँ जंगलों में बहुत सारे ऋषि हैं, उनके पास जाकर पढ़ना शुरू करो, कोई अच्छा लगे तो मुझे भी बताना, मैं भी जाकर पढ़ूंगा। इस तरह का होता है, ये समझने की बात है। हमारे भारत में आज ये समझ हम में से तो चली गई है, हमारे राजाओं में से तो बिल्कुल चली गई। राजाओं मतलब हमारे आज के जो नेता है, जो प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, उनमें किसी में ये समझ नहीं है पर्यावरण क्या होता है, आदिवासी क्या होते हैं, वनवासी क्या होते हैं, उनके गुण क्या है, उनके कर्म क्या है, उनके स्वभाव क्या है। हमने तो एक ही शब्द उनके साथ चेक कर दिया है, ये सब पिछड़ा वर्ग है, तो इनका विकास करना है तो क्या करना है, अपने जैसा मूर्ख बनाना है। विकास करने से ये हम तो मूर्ख है ही, हमारे जैसे मूर्ख ये बने, माने अपना जंगल छोड़कर आ जाए और ये कॉन्क्रीट के जंगल में रहना शुरू कर दे, इनकी 10 मंजिले की बिल्डिंग बना दे, पेड़ के नीचे रहते हैं, शुद्ध हवा खाते हैं, जीव जंतुओं के बीच में रहते हैं, उनके साथ सहजल का नाता रखते हैं, वो सब खत्म करके अपने जैसा बनाने हम लगे। तो हमारी जो डेवलपमेंट डेफिनेशन है और श्री राम जी की, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। लक्ष्मण को वो बता रहे हैं, अंत में कहते हैं कि देखो सबसे ज्यादा विकसित ये है, उनसे कम हम यहां है, तो इनके जैसा बनने की कोशिश करने के लिए है, क्योंकि इनके पास बहुत सारी। तो लक्ष्मण कहते हैं इनमें एक गुण नहीं है, जब उनके ये सब समझ में आता है, इनमें एक गुण नहीं है, क्या नहीं है, राम पूछते हैं, इनमें वीरता की कमी है, जैसे तुमसे ज्यादा वीर है। और फिर उनका इतिहास होता है, वीरों का, कौनों का, कौनों का, जिन्होंने हजारों साल क्या क्या युद्ध लड़े हैं और अपने को बचा के रखा। तो लक्ष्मण कहते हैं इनमें कोई तो दुर्गुण होगा, तो राम कहते हैं हाँ, इनमें एक ही दुर्गुण मुझे दिखाई देता है कि ये हमेशा किसी अवतार की प्रतीक्षा में है, यही इनका एक दुर्गुण, बाकी इनमें कोई दुर्गुण नहीं। ये वीर है, साहसी है, स्वाभिमानी है, स्वावलंबी है, समझ बहुत है, प्रकृति की, पर्यावरण की, सब कुछ इनमें है। एक ही दुर्गुण आया है इनमें कुछ सालों में कि ये किसी अवतार की प्रतीक्षा में है, कोई अवतार आएगा भगवान का भेजा हुआ तो हमारी दशा सुधारेगा या राज्य की दशा सुधारेगा। रामचंद्र जी कहते हैं कि इनके इसी दुर्गुण को समाप्त करने के लिए मैं प्रयास करना चाहता हूं और इनको यह समझाना चाहता हूं कि अवतार कोई नहीं आएगा, आएगा तो तुम्हारे बीच से आएगा, तुम अपने को ही अवतार ही मानना शुरू करो। तो ये एक बहुत अच्छा सम्मान है जिससे मिलता है। फिर आगे बढ़े इस कहानी में, तो जहां भी रामचंद्र जी को किसी दुष्ट को संहार करना है या यज्ञ कर्म में बाधा पैदा करने वाले को संहार करना या अधर्मी को संहार करना, तो कभी भी अयोध्या से सेना नहीं बुलाई गई, कितने भी बड़े संघर्षों में। रावण के साथ संघर्ष तो उनका अंतिम संघर्ष है, रावण के पहले छोटे छोटे सैकड़ों संघर्ष उनके हुए हैं दुष्ट लोगों से, पापियों से, अत्याचारियों से, अधर्मियों से, कभी भी अयोध्या की सेना नहीं बुलाई। तो लड़ा कैसे, उन्हीं लोगों की मदद से जिनके लिए लड़ना, अच्छा उनको लड़ने के लिए तैयार करना। तो रामचंद्र जी का जो समय है वन में रहने का वो किस तरह का है, सुबह 4 बजे उठना, 4:45 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उसके बाद अपना जो इष्ट देव को पूजा आदि आदि करना, थोड़ा जो प्राणायाम जो करना, 45-50 मिनट 1 घंटे का समय खत्म करके फिर निकल जाते हैं अपने इन लोगों के बीच में, उनको शस्त्र विद्या सिखाने के लिए। वीरों को सिखा रहे हैं, चोरों को सिखा रहे हैं, घोड़ों को सिखा रहे हैं। और ध्यान रखिए इनमें कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो शास्त्रों के द्वारा पंडित घोषित किए गए, जिनको बड़ा शास्त्रीय ज्ञान, साधारण लोग उनको सिखा रहे हैं शस्त्र चलाना, शस्त्रों के साथ अस्त्र चलाना, अस्त्र और शस्त्र का अंतर आप सब जानते हैं। तो अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाना और उनका भरपूर उपयोग कैसे कर लेना है ये वो उनको सिखा रहे हैं। ये नित्य कर्म है उनका बिना किसी बाधा, रोज सुबह से 4 बजे से लेकर 6-7 बजे के बीच
उसके बाद फिर उनका दूसरा जीवन शुरू होता है। वो अध्ययन तो कर चुके हैं क्योंकि उनके गुरु ने, अब वो अध्ययन इनको करवा जितना उनको है और इनको नहीं, इस तरह का चलता है। फिर वो दोपहर का भोजन और थोड़ा विश्राम और फिर शाम को वही क्रम प्राप्त हो गया। जब ये तैयार हो गए तब लड़ाई शुरू कर। अच्छा, एक लक्ष्मण कहते हैं कि भैया आप तो चाहे अकेले लड़ सकते हैं, सिहार कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, हाँ मार भी सकते हैं, क्यों नहीं कर लेते। सुनता फिर कोई समझ, मैं जब यहां से चला गया तो ये अपनी रक्षा कैसे करे, इसलिए इनको तैयार करके इनसे लड़ाना है, मैं भी साथ में हूं, ये भी मेरे साथ में। तो ये तो बहुत धीरज का काम है, ये तो जल्दी नहीं होता, बहुत धीरज है। किसी को ट्रेनिंग देकर तैयार करना, फिर इतना तैयार करना कि युद्ध के लिए तैयार है, तो वो ट्रेनिंग का समय उनका बहुत बड़ा है, प्रशिक्षण उनका जीवन का सबसे बड़ा काम। और शायद सैकड़ों हजारों हजारों ऐसे ऐसे लोग उन्होंने प्रशिक्षित किए, और जहां प्रशिक्षण देके सेना बना दिया, संगठन बना दिया। जो बहुत महत्व की बात है राम के जीवन से समझने की, कि जिस समाज में समस्या है उस समाज के लोगों को संगठित करके समस्या का समाधान करना है। तो समाज की समस्या समाधान करने के लिए संगठन बना दिया, शस्त्र बना गए, अस्त्र आ गए, ताकतवर हो गए, स्वाभिमानी स्वावलंबी हो गए, छोड़ दिया, कहा अब तुम चलाओ मैं चलता। मैंने इसमें तो समझने की बात है कि राम चाहे तो वहां राजा बन के रहे और वो तैयार है उनको स्वागत करने, लेकिन सब कुछ करके उन्हीं के बीच में से किसी को राजा बना के उनको सब कुछ सौंप के फिर चल दिए, झोली भेटा उठा के किसी आगे। ये तो उनके जीवन में उनके स्वभाव में दिखाई देता है कि लंका जीतने के बाद खुद राजा नहीं बनते, विभीषण को राजा बना के चले आते हैं। ये उनके जीवन में शुरू से है, रावण का राज्य जीतने के बाद ये आया है, ऐसा नहीं है, शुरू से उनके जीवन में ये चल रहा है। जहां भी छोटे छोटे राज्य हैं, जहां भी उन्होंने कोई बड़ी जीत हासिल की है, वहां उस स्थानीय व्यक्ति को राजा बनाया, सौंप दिया, आगे चले गए, फिर किसी को राजा बनाया, सौंप दिया, फिर आगे चले गए, फिर राजा बनाया, फिर सौंप दिया, फिर आगे। दशरथ में ये गुण नहीं है, दशरथ में ये गुण नहीं। दशरथ में क्या गुण है, जिस राज्य को जीत लिया हमेशा के लिए उसको अपने राज्य में मिला के रखना है, और इसको दशरथ चक्रवर्तित्व होने के लिए आवश्यक मानते हैं। राम उससे मतभेद, राम कहते हैं कि चक्रवर्ती वो है जो राज्य बनाए और सौंप के निकल जाए। और ये समझ बहुत देर में भारत के एक राजा को आई है, अशोक, जो बौद्ध धर्म का फिर सबसे बड़ा बताओ मंदिर बना है, वो राम के गुण से ही समझ आई। अब भारतीयता का शायद ये एक दूसरा बड़ा गुण बन गया है, राम ने स्थापित किया है, वही हमारे यहां भारतीयता हो गई है, ऐसा मुझे अभी समझ में आने लगा। उन्होंने एक गुण स्थापित कर दिया ये कि जो लोग हैं समस्या जिनकी है उनको प्रेरित करना, खड़ा करना, समस्या का समाधान कराना, उन्हीं के बीच में से किसी को राजा बनाना, अपने हाथ में कुछ नहीं लेना और निकल जाना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई पुराने कपड़े थे छोड़कर निकल जाने के धारण करके इस तरह से चलते चले जाना। शायद योगी वही होते होंगे, मोह जरा भी ना आए, कर्मयोगी शायद वही होता होगा। तो कर्मयोगी होने की जो आदर्श परिभाषा है वो उन्होंने स्थापित कर दिया। मुझे उनका ये गुण बहुत अद्भुत लगता है, शायद कृष्ण में यही गुण राम से आया, जो अपने हाथ से कुछ नहीं करते हैं और राज्य स्थापित करके दूसरों को देते हैं। और फिर कृष्ण भी ये कहते हैं अपने जीवन के अंतिम दिनों में कि भारतीयता यही है, भारतीयता यही है, जब हम कुछ भी हासिल करें जरूरत पड़ने पर दूसरों को सौंप दें और निकल जाएं बिना किसी मोह के, भारतीयता यही है। ये जो दूसरी एक संस्कृति दुनिया में फैली हुई है जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले भारत करते थे, अमरीकी और यूरोपियन संस्कृति, वो इसके ठीक विपरीत है। दूसरों को जीत लेना, हासिल कर लेना, फिर अपने बीच में गुलाम बना के सैकड़ों साल रखना, वो अमरीकी है, ये भारत। तो भारतीयता के आदर्श स्थापित करने में राम का जो अर्थ है, अब वो ये जो आदर्श है इसी के चलते
एक को नहीं सैकड़ों सैकड़ों छोटे छोटे राजाओं को स्वावलंबी बना के स्वयंपूर्ण बना के वो खड़ा करते हैं, और ये खड़ा करते 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 बढ़ते चले जाते हैं, और बढ़ते बढ़ते तो लंका तक पहुंचते हैं, और लंका पहुंचकर रावण के साथ युद्ध की तैयारियां हैं। उन तैयारियों से पहले की ये जो छोटी छोटी तैयारियां हैं ये उनको बहुत मदद करती है, और इनको मदद करने में ये सब का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब इसमें एक विशेष प्रसंग है आपको और सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद इसको मैं खत्म करूंगा। और एक विशेष प्रसंग क्या है, मैंने आपसे मेरे व्याख्यान के शुरू में कहा था कि मैं समझना चाहता हूँ राम राज जी क्या है, वो इसी में से समझ में आया। रामचंद्र जी चले गए वन, और वन में ये सब कर रहे हैं, ये तो हमने आपको बता दिया। अब एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, दशरथ का स्वर्गवास होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और दशरथ का स्वर्गवास होता है, उसकी खबर देने के लिए भरत राम के पास जाते हैं, और आप जानते हैं कि भरत जो है ना राम के पास दशरथ के स्वर्गवास की खबर देने के लिए ही नहीं जाते हैं, बल्कि ये संकल्प लेके जाते हैं कि मैं राम को वापस लेके आऊंगा। तो कहते हैं कि मैं शायद इतना कन्विंस नहीं कर पाया उनको वापस लाने के लिए, तो अपनी माताओं को भी साथ में लाते हैं, कौशल्या भी आती है और वो सब आती है, और वो कहते हैं कि अगर मेरे अकेले से और माताओं के मानने से नहीं माने तो सब मंत्रियों को लेकर चलो, मंत्रियों को भी लाते हैं, सेना के जितने सुप्रीम कमांडर है सबको लेके चलो। तो पूरी सेना लेके भरत आते हैं रामचंद्र जी को मिलने, और दो बातें कहते हैं, एक तो पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और आप वापस चलो क्योंकि राज्य आपका है, मैं तो आपका सेवक। भरत का गुण अपनी माँ के विपरीत है, केकई के विपरीत है, स्वभाव के विपरीत है, कर्म के विपरीत है, तीनों ही अलग है। तो इस उद्देश्य से जाते हैं। अब जब राम से उनका मिलन होता है और भरत राम का सरदार है, मैं मानता हूं कि पूरी रामायण का या राम कथा का वो सबसे महत्वपूर्ण बात या सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है राम और भरत का मिलना, और राम और भरत का संवाद। राम भरत का जब संवाद होता है और मिलन होता है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो नजर आता है ये कि राम भरत को प्रश्न पूछते हैं। पहले तो लक्ष्मण ने उनको कंफ्यूज करने की कोशिश की, राम को बताया कि देखो इतनी सेना लेके आ रहा है हमारा भाई, तो राम कहते हैं तुम क्यों ऐसा सोचते हो, हमारा भाई है, हम पे हमला करेगा। उनका नहीं, आपको मालूम नहीं, वो केकई का पुत्र, और केकई वही है जिसने आपको वनवास दिया है। तो राम कहते हैं केकई ने तो बहुत बड़ा एहसान किया है, जो मैं चाहता था वो करने के लिए रास्ता प्रस्तुत। तो भरत को, सॉरी लक्ष्मण को ये सब ज्यादा समझ में नहीं आता, और शायद तत्व की गहराई में वो इतना उतरते नहीं है, उतरना नहीं चाहते। तो खैर वो कहते हैं आने दो, और अगर लड़ना ही पड़ा तो लड़ लेंगे और हम काफी हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं आपका मैं अकेला काफी हूं, इतनी बड़ी सेना है वो एक। उसके बाद होता क्या है कि जब ये इतनी बड़ी सेना लेके भरत आते हैं, तो जो वनवासी है उनको शायद ये गलतफहमी हो जाती है कि ये राम पे हमला करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये तो मालूम है कि राम को निकाला दिया गया है, वनवास दिया गया, भरत को गद्दी दी है। तो वनवासियों को ये गलतफहमी है कि शायद ये राम को मारने जा रहे हैं, तो वो तैयार हो जाते हैं। बीच में कई जगह हो भी जाता है, बाद में उनको समझ में आता है नहीं ये तो राम को वापस लेने के लिए जा रहे हैं। तो पूछते भी हैं, कहीं जो भील है, भील जाति गोंड वगैरह कुल जाति के लोग पूछते हैं उनके सरदार, पूछते हैं कि आपको इतनी सेना लेके आने की क्या जरूरत थी। तो भरत कहते हैं कि देखो मैं राम को कन्विंस नहीं कर सकता, मना नहीं सकता, इसलिए सबको लाया हूँ, ये सब उनको कन्विंस करेंगे शायद वो वापस जाए, इसके लिए ये सेना। तो खैर वो सेना लेकर पहुंच जाते हैं, और राम और भरत का मिलन होता है और संवाद होता है। तो ये जो मिलन और संवाद है उसमें से वो एक घटना है, उसको मैं छोड़ना चाहता हूँ, जब वो राजा दशरथ के स्वर्गवास की कहानी है। तो राजा दशरथ के स्वर्गवास की जैसे कहानी कहते हैं, तो अकेले राम है जो इतने ही निश्चल और इतने ही शांत मन से उसको सुनते हैं जितने शांत मन से उन्होंने अपने वनवास की घोषणा को सुना, उतने ही शांत मन से उतने ही स्वर्गवास हो गया। और ये सब परेशान, बाकी लक्ष्मण परेशान है, सीता जी परेशान है, उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन राम में धीरता बहुत है, खराब से खराब समाचार को सुनने का वाता,
वो जानते हैं कि उनके पिता उनको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हमको नहीं है इस दुनिया में। उनके दुखद निधन का समाचार भी उतनी ही शालीनता से सुनना, शांति से सुनना, जितना अपने जीवन में सबसे खराब किसी चीज को सुन लेता है। तो वो सुन लेते हैं, उसके बाद वो बात नहीं खत्म होती। फिर वो बात करते हैं लक्ष्मण, सॉरी रामचंद्र जी भरत से संवाद करते हैं, और वो संवाद जो है ना सबसे अच्छी तरीके से, थोड़ा तो वाल्मीक में है और ज्यादा तो कंबर रामायण में है। तो संवाद क्या है, रामचंद्र जी उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, भरत से प्रश्न पूछ रहे हैं, और प्रश्न ऐसे पूछ रहे हैं जिनको समझने की हम कोशिश करें तो समझ में आ जाता है रामराज जी क्या है। सारे प्रश्न उस तरह, अब वो प्रश्न पूछ रहे हैं, उनकी संख्या लगभग 56 है, 56 प्रश्न उन्होंने पूछे, 56 क्वेश्चंस भरत जी को पूछे हैं राम, और एक से एक अद्भुत प्रश्न जो राम राज्य को समझने में हमको काफी कुछ मदद करता है। राम राज्य क्या है वो उन प्रश्नों से समझता है। सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं भरत, क्या तुम अपने गुरुओं का वैसे ही आदर करते हो जैसे मैं करता था मेरे चले आने के बाद? क्या तुम अपने गुरु का वैसे ही आदर करते हो जैसे मैं करता था? गुरु कौन? वशिष्ठ, और वशिष्ठ के समकक्ष बहुत। तो भरत उस प्रश्न को सुनकर उत्तर दे देते हैं कि हाँ करता हूं। राम क्यों पूछते हैं, क्या उतना ही जितना मैं? तो भरत पूछते हैं, आप इसको इतना जोर क्यों दे रहे और गुरु को ही क्यों कह रहे हैं, और किसी का क्यों नहीं कहते, माँ का क्यों नहीं पूछते, माँ का आदर करते हो कि नहीं, पिता का करते हो कि नहीं, भाइयों का करते हो कि नहीं, या हमारे मंत्रियों का करते हो कि नहीं, अधिकारियों का करते हो कि नहीं, वगैरह 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 वगैरह। तो राम उत्तर देते हैं, वो कहते हैं कि देखो गुरु और बाकी जितने भी तुमने नाम किए संबंधों में, ये सब एक दूसरे से बहुत अच्छे दिखते हैं, सुंदर लगते हैं, शब्द अच्छे हैं, लेकिन तुलना नहीं है। गुरु बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है, क्या अंतर है भरत सकते हैं? तो कहते हैं कि देखो यही एक ऐसा व्यक्ति है गुरु जो बिना ईर्ष्या और द्वेष के सलाह देता है, बिना राग और द्वेष के सलाह देता है, बिना स्वार्थ के सलाह देता है। यही एक है गुरु जो कभी स्वार्थी नहीं होता, ईर्ष्यालु नहीं होता, राग द्वेष नहीं पड़ता, किसी कामना के वशीभूत होकर नहीं कहता। यही है, इसलिए इसकी वैल्यू माने इसके बारे में सबसे अच्छे होने की मेरे मन में जो है वो मैं सुनना चाहता हूं, उनका आह्वान मैं वैसा ही करता हूं, गुरुओं को बहुत सम्मान देता हूं। तो मैं मानता हूं राम राज्य माने क्या, जहां गुरुओं को सबसे अधिक आदर और सम्मान मिले, क्योंकि वो हमारे प्रति ना कोई राग ना कोई द्वेष ना कोई इच्छा ना कोई अपेक्षा, बिना इसके हमको सलाह दे रहे हैं, ऐसा करो ऐसा मत करो, ऐसा करो ऐसा मत करो, ऐसा। तो वो कहते हाँ ऐसा होता है, तो राम थोड़े संतुष्ट होते हैं, हाँ ठीक है, इसका मैंने राज्य तुम्हारा कुछ ठीक दिशा में। दूसरा प्रश्न, 56 प्रश्न, दूसरा प्रश्न, क्या तुम्हारे राज्य में जनता धन धान्य से भरपूर है? लोगों को किसी तरह का कोई भौतिक दैविक और दैहिक दुख तो नहीं है, माने गरीबी तो नहीं है, बेरोजगारी तो नहीं है, भूखमरी तो नहीं है, अकाल तो नहीं पड़ रहा है, अतिवृष्टि तो नहीं हो रही है, अनावृष्टि तो नहीं हो रही है? ये सारे प्रश्न एक साथ ही पूछे, क्या तुम्हारे राज्य में ऐसा है, क्या तुम इसके लिए कुछ करते हो? तो भरत कहते हैं कि आपकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमारे राज्य में अभी कोई भूखा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है, जितनी आवश्यकता पानी की है उतनी बारिश होती है, और बारिश का पानी हम संजो कर रखते हैं, वाटर मैनेजमेंट जो आज की भाषा में कहें, हमको अगर 12 साल भी अकाल पड़ जाए तो हमने पानी की व्यवस्था करके रखी हुई है, भूगर्भ जल की भी व्यवस्था है, और एक तरह का सरफेस वाटर और एक ग्राउंड वाटर दोनों की व्यवस्था हमने करके रखी हुई है, विस्तार से बताते हैं। राम थोड़े और ज्यादा आश्वस्त होते हैं, उनके हाँ तुम्हारा कार्य। तीसरा प्रश्न करते हैं कि क्या तुम्हारे सारे मंत्री और अधिकारी नॉन करप्ट हैं?
अभ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी नहीं है, तुम ये कह सकते हो? तो थोड़ी देर वो सोचते हैं, फिर कहते हैं हाँ, हमारे सभी मंत्री और अधिकारी कुछ भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। फिर वो पूछते हैं कि भ्रष्टाचार कितने तरह के होते हैं? राम को पूछते तो वो 16 तरह के भ्रष्टाचार के नाम, 16 तरह के भ्रष्टाचार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दुर्भाग्य से हमारे भारत में इस समय में 16 के 16 हैं। राम पूछ रहे हैं तुम्हारे मंत्री तुम्हारे अधिकारी किस तरह के भ्रष्टाचार से मुक्त हैं? तो दशरथ कहते हैं हाँ मुक्त है, तो थोड़े और आश्वस्त। चौथा प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम्हारा रेवेन्यू कलेक्शन, आप ध्यान देना इस बात, रेवेन्यू कलेक्शन माने टैक्स कलेक्शन, क्या तुम्हारा कर संग्रह खर्चे से ज्यादा है? माने रेवेन्यू कलेक्शन सरप्लस है, डेफिसिट तो नहीं है? तो भरत कहते हैं हाँ, रेवेन्यू कलेक्शन सरप्लस है। तो भरत पूछते हैं आप ये क्यों पूछ रहे हैं रेवेन्यू कलेक्शन? वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा कर संग्रह कर खर्चे से ज्यादा है, जिसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, अगर रेवेन्यू इनकम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तभी राज्य को समृद्धशाली बना सकते हो। अगर तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू कलेक्शन से ज्यादा हो गया, माने कलेक्शन कम है खर्चा ज्यादा है, तब तो राज्य को कर तुम्हें डालोगे और तुमको कर्ज लेके राज्य चलाना पड़ेगा, और कर्ज चलाकर तो कोई राज्य सुखी नहीं होता है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हमें कर्ज लेने की आवश्यकता तो नहीं पड़ती, तुम्हारे राज्य में कर्ज तो नहीं लिया जाता? तो भरत कहते हैं अभी तक तो नहीं लिया जाता, तो ध्यान रखना आगे न लिया जाए। इसका अर्थ क्या है? राम राज्य में रेवेन्यू कलेक्शन एक्सपेंडिचर से हमेशा ज्यादा होगा, माने राम राज्य में कर्ज नहीं लिया जाएगा। भारत में आज की परिस्थिति में 18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है आजादी से पिछले 60 साल, और 30 राज्य है, 300 राज्यों में ले लिया है। एक भी इस देश में ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जो कर्जदार ना हो, एक भी नगर पालिका ऐसी नहीं है जो कर्जदार ना हो, एक भी केंद्र सरकार ऐसी नहीं है जो कर्जदार ना हो। राम ये महत्वपूर्ण बात पूछ रहे हैं भरत से कि क्या तुम्हारा रेवेन्यू कलेक्शन एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, अर्थात कर्ज का जरूरत तो नहीं पड़ती है? तो भरत कह रहे हैं हाँ बिल्कुल जरूरत है। चौथी महत्वपूर्ण बात पूछते हैं, क्या तुम्हारे राज्य की सेना सब तुम्हारे आदेश का पालन करती है? सेना के अधिकारी तुम्हारे साथ आदेश को मानने के लिए प्रेरित होते हैं? तुम्हारे व्यक्तित्व ने तुम्हारी सेना के सेना अधिकारियों को प्रेरित किया हुआ है? तो भरत कहते हैं हाँ, कि मेरे सभी सेना अधिकारी मेरे से प्रेरित हैं और मैं जैसा कहता हूं वैसा करने के लिए तैयार है। तो राम कहते हैं हाँ ठीक है, तुम्हारा राज्य सही दिशा में है। आगे एक और प्रश्न पूछते हैं, क्या तुमने अपने राज्य में न्याय की स्थापना की है? न्याय की स्थापना से मतलब भरत पूछ रहे तो कह रहे हैं कि दुष्टों को दंड और सज्जनों को प्रोत्साहन तुम्हारे राज्य में मिलता है? तो भरत कहते हैं हाँ, आपकी ही नीति पे मैं चलता हूं, जितने भी दुष्ट हैं उनको मैं दंड देता हूं और सज्जनों को स्थापित करता हूं। न्याय तो यही है, राम कहते हैं न्याय तो यही है, दुष्टों को दंड मिले सज्जनों को प्रोत्साहन मिले। लेकिन राम फिर उसमें एक सब्सिडियरी क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुम्हारे राज्य में दुष्टों को खुले आम दंड दिया जाता है या नहीं? लेकिन मान लेना तो लेकिन और दंड तो खुले आम मिलना चाहिए, लेकिन मानवीयता से ऐसा करते हो जैसे चोर है, उसने चोरी किया उसको दंड लोगों के सामने मिलता है, कोई ठग है ठगी किया उसका दंड लोगों के सामने होता है, कोई बलात्कारी है उसने बलात्कार किया लोगों के सामने उसको दंड दिया जाता है, लेकिन मानवीयता से ऐसा तुम करते हो? तो भरत कहते हाँ करता हूं, अर्थात राम राज्य में दुष्टों को दंड लोगों के सामने होना। क्यों होना? ताकि दूसरे लोग दुष्टता करने से बचे।
ये राम राज्य की नीति है। अभी जो होता है दंड किसी जेल की कोठरी में होता है, कोई देख भी नहीं सकता कि अंग्रेजों की जाए। राम की व्यवस्था में दुष्टों को दंड खुले में होना चाहिए, लेकिन मान्यता वाली उसके मनुष्य होने का ध्यान रखते हुए उसको दंड दो, लेकिन खुले आम सरे आम। हम बहुत बुराई करें अरब देशों की, लेकिन अरब देशों में ये राम राज्य की नीति है, वहां दुष्टों को दंड खुले आम मिलता है। कोई भी अरब देश में जाइए, बहरीन, कुवैत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, वहां अगर किसी ने चोरी की है तो भरे चौराहे पर हाथ काटते हैं, बलात्कार किया है तो भरे चौराहे पर पत्थर मार के हत्या करते हैं। अगर चोरी की है, बलात्कार किया, कोई बड़ा गुनाह किया है, भीड़ भरे लोगों के सामने ये वो करते हैं। राम राज्य का पालन शायद कुछ अंशों में वो करते हैं, हम तो नहीं करते। हमारे यहाँ तो होता है मुकदमा भी बंद कमरों में चलता है, दंड भी बंद कमरों में दिया जाता है, काल कोठरी का दंड। ये अंग्रेजी नीति है, राम नीति नहीं है, राम राज्य की नीति। अगला और एक इंटरेस्टिंग प्रश्न वो करते हैं कि तुम सुबह जल्दी उठते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो। आप कहेंगे ये तो पूछने लायक प्रश्न नहीं, लेकिन राम पूछ रहे हैं तुम सुबह जल्दी उठते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो। हाँ उठता हूँ। फिर लोगों से मिलने जाते हो? हाँ जाता हूँ। तब तुम राजा होने के लायक हो। आप उसके पहले नहीं कहा कि तुम राजा होने के लायक। जब भरत ने यह आश्वासन दे दिया कि मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ और रोज अपनी प्रजा के बीच में वैसे ही मिलने जाता हूँ जैसे आप मिलते थे, तो हाँ ठीक है, अभी तुम राजा होने के लायक। रात्रि शयन जल्दी करते हो तो हाँ जल्दी करता हूँ, तो भी सुबह जल्दी उठ पाओगे। रात में 12 बजे तक जगोगे तो सुबह उठने का सवाल ही नहीं। तो रात्रि शयन और सुबह उठना ये भी प्रश्न पूछ लिया। तो फिर आगे वो पूछते हैं कि तुम्हारे मंत्रिमंडल के जो मंत्री है उनके साथ तुम कोई भी चर्चा करो, योजना बनाओ, तो उसका क्रियान्वयन कितनी देर में होता है? प्लानिंग हो गया, 5 ईयर प्लानिंग कर लिया, 10 ईयर प्लानिंग कर लिया, 20 ईयर प्लानिंग कर लिया, इंप्लीमेंटेशन कब स्टार्ट होगा? वो ये कह रहे हैं कि योजना बनाना तो ठीक है, उसका पालन कब से शुरू होता है? अगर तत्काल शुरू होता है तो तुम राजा होने लायक हो, नहीं होता है तो तुम्हारे गुण को सुधारो, दुर्गुण है। माने आपने योजना बनाई कोई भी विकास की, वो योजना बनने के तुरंत बाद अगर उसका पालन शुरू होता है तब तो वो राम राज्य है, नहीं होता है तो नहीं ये राम राज्य। भारत में आज क्या होता है, योजनाएं 50 साल पहले बन चुकी है, पालन उनका आज तक नहीं होता है, फाइलों में बंद है, डस्टबिन में पड़ी हुई है, तो राम राज्य नहीं है। फिर आगे पूछते हैं कि जब तुम्हारे मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उस मंत्रिमंडल की बैठक में कोई मंत्री ऐसे तो नहीं है जो तुम्हें गुमराह करते और तुमने उनको मंत्री बना के रखा हो? तो भरत कहते हैं हाँ ऐसा तो कोई मंत्री नहीं है। तो कहते कड़ी नजर रखो, अगर कोई मंत्री तुम्हारे मंत्रिमंडल का तुम्हें गुमराह करता है तो उसको एक क्षण भी उस पद पर नहीं रखना है, हटा के दूसरे को रखना, एक क्षण भी उसको नहीं रखना। ये उनकी सीख है राम की को, भरत को। और वो कहते हैं कि ये बहुत आवश्यक है, गुमराह करने वाले मंत्री अगर तुम्हारे बीच में है तो तुमको गलत रास्ते लेके जाएंगे। अब भरत उनसे एक सवाल पूछते हैं कि कैसे पता करूं कि वो गुमराह कर रहे हैं या नहीं? तो राम उसका बहुत सुंदर जवाब देते हैं, अपने गुरु से पूछा, अगर गुरु कहे कि ये ठीक है तो गुमराह नहीं किया, और गुरु कहे गलत है तो तुमको गुमराह किया गया। गुरु ही है जो निस्वार्थ भाव से तुमको सलाह देगा, इसलिए गुरु का आदर सबसे आवश्यक। फिर राम आगे उनसे पूछते हैं कि तुम कोई भी योजना बनाते समय अपने विचार
अपने मंत्रिमंडल के विचार इनको प्रमुखता देते हो या लोगों के विचारों की? तुमको लगता है ये योजना बहुत अच्छी है और लोग कहते हैं ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो क्या करते हो? लोगों की विचार के साथ जाते हो या तुम अपने विचारों के साथ रहते हो? तो भरत कहते हैं मैं तो लोगों के विचार के साथ जाता हूं। तो कहते हैं कि फिर तुम ठीक रास्ते पर हो। डेमोक्रेसी तो यही है, सरकार कहती है कि विदेशी कंपनियों को आना चाहिए राजस्थान में, हर मंडी में उनको छूट होनी चाहिए। किसान कहते हैं जी नहीं होनी चाहिए, सरकार अपने पे पड़ी हुई है कि हम ये करके ही मानेंगे और रामचंद्र जी का नाम लेते रहते हैं। रामचंद्र जी की नीति सुनिए, नहीं राम की नीति है लोगों के विचार को प्रमुखता, अपने विचार को दूसरा, पहला विचार लोगों का। लोग क्या मानते हैं? लोग कहते हैं कि ठीक है तो करो, नहीं मानते तो। अभी भरत उसमें आगे प्रश्न करते हैं, अगर एक आदमी कहे तो? हाँ, मंत्री से ज्यादा आदमी, मंत्री कुछ कहता है, तुम्हारे राज्य का एक व्यक्ति भी उसके विपरीत कुछ कहता है, तो वो व्यक्ति जो कह रहा है वो रह चुका है। क्यों? क्योंकि वो तुमको कर देता है, टैक्स देता है, मंत्री टैक्स नहीं देता है। मंत्री तो तुम्हारे खजाने से लेता है, वो नागरिक है, वो तुमको टैक्स देता है, वो नागरिक के टैक्स देने से तुम्हारा राज्य चलता है। इसलिए एक नागरिक का विचार भी तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शायद यही एक बात जो राम के मन में है वो उनके जीवन के उत्तरार्ध में हमें दिखाई देती है, जब एक कपड़े को धोने वाला धोबी सीता के बारे में कुछ कहता है तो वो परीक्षा के लिए निकालता है। राम के ऊपर लांछन लगाने वाले कुछ लोग कहते हैं कि वो स्त्रियों के विरोधी थे क्योंकि सीता को घर से निकाल दिया, और ये किस्सा तब है जब वो अयोध्या वापस आ गए हैं और किसी ने कह दिया है सीता के बारे में पता नहीं कितने दिन रावण के यहाँ रही है और क्या कह दिया। तो एक व्यक्ति के कहने पर सीता को घर से निकाल देना, ये उस गुण के कारण है जब वो भरत को कह रहे हैं कि एक व्यक्ति भी कुछ कहता है वो महत्वकार क्योंकि वो टैक्स पेयर है। अर्थात राम राज्य में टैक्स पेयर को सबसे ज्यादा ऊंचाई है, और मैं नहीं मानता कि इससे बड़ी डेमोक्रेसी कोई हो सकती है। जहां टैक्स पेयर सबसे ऊंचा है, मंत्री और राजा उससे नीचा है। यही शायद लोकतंत्र रहा होगा, राम राज्य शायद किसी को, गांधी जी किसी की कल्पना पर आता है राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए। फिर एक और बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं भरत से कि तुम्हारा अपना जीवन में व्यक्तिगत समय कितना है और सार्वजनिक समय कितना है? तो भरत इसका उत्तर नहीं, वो पूछते हैं बताइए क्या होना चाहिए पहले। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि जीवन का एक चौथाई हिस्सा निजी और तीन चौथाई सार्वजनिक होना चाहिए। है तुम्हारा एक चौथाई माने छह घंटे तुम्हारा अपना है और बाकी 18 घंटे जनता का। तुम्हारा ऐसा है 18 घंटे काम करते हो लोगों के लिए, सीधी सी बात, 6 घंटे अपने लिए 18 घंटे जनता के। तो भरत कहता है कि मैं कोशिश करूंगा, तो ठीक है जल्दी से करो, ये बोल रहे। फिर उसके बाद उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारी जो सेना है उसमें जो बहादुर सैनिक और बहादुर जो सेनापति है, वो बहादुर सैनिक और सेनापति जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तुम उन्हें पुरस्कार देते हो या नहीं? जब भी कुछ अच्छा काम करे, धर्म के आचरण के, संस्कृति के, परंपरा के किसी काम को अगर वो करे तो तुम उनको पुरस्कृत करते हो? तो भरत कहते हाँ करता। तो कहते ठीक है, इसका माने अच्छा काम करने वाले जो सैनिक अधिकारी हैं या राज्य अधिकारी हैं उनको हमेशा पुरस्कृत करते रहना, उनको सम्मानित करते रहना, ये राम राज्य। फिर एक आगे प्रश्न पूछ रहे हैं वो कि सेना के सैनिकों का और सेना के काम आने वाले घोड़े हाथियों का भोजन व्यवस्था पर्याप्त है, संपूर्ण है, बराबर है? सैनिकों को बराबर मिल रहा है खाने पीने को, घोड़ों हाथियों को बराबर मिल रहा है खाने पीने को, कमी तो नहीं आ रही है?
तो भरत कह रहे हैं माने आप मेरा देखिए कितने माइक्रो लेवल के क्वेश्चंस हैं, कितने छोटे छोटे प्रश्न कि सब सैनिकों को बराबर मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, सेना के हाथियों को घोड़ों को मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। फिर आगे इससे भी ज्यादा पूछते हैं कि सभी सैनिक तुम्हारे राज्य से खुश हैं, प्रसन्न हैं, तुम्हारी नीतियों से सहमत हैं, उनको कोई दुख तो नहीं है, व्यक्तिगत दुख तो नहीं है, कहीं कोई परेशानी तो उनको नहीं है, और तुम उसके लिए कुछ समय निकालते हो कि नहीं? तो भरत कहते हैं हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं। तो वो कहते हैं कि अगर सैनिक तुम्हारे खुश है और सेना तुम्हारी तुम्हारे ऊपर श्रद्धा रखती है तो कोई दुश्मन तुम्हें पराजित नहीं कर सकता, इसलिए उनकी वेलबींग होना बहुत आवश्यक। आगे एक और प्रश्न पूछते हैं कि जब तुम मीटिंग करते हो तुम्हारी कैबिनेट की, कैबिनेट शब्द मैंने जोड़ दिया, उसमें तो मंत्री परिषद, मंत्रिपरिषद की जब तुम मीटिंग करते हो तो उसमें कोई ऐसा फैसला जो गुप्त रखने योग्य है वो लीक तो नहीं होता? अगर लीक होता है तो तुमको मंत्रिपरिषद बदलनी पड़ेगी, और लीक नहीं होता तो ठीक है, कोई भी बात जो तुम्हें लगती है सीक्रेट है वो सीक्रेट रहती है या तुरंत बाहर आ जाती है? वो कहते हैं हाँ रहती है। अभी क्या होता है कैबिनेट की मीटिंग में कोई भी फैसला हो अखबार वालों को पट से एक वोट ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करते हैं सभी मिनिस्टर्स, नाम नहीं बताएंगे, ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करते हैं। भरत को पूछ रहे हैं क्या तुम्हारे यहां सीक्रेसी मेंटेन होती है? भरत कहते हैं हाँ होती है। फिर आगे पूछ रहे हैं लोगों की सुरक्षा का क्या, लोग सुरक्षित हैं तुम्हारे राज्य दुश्मन से, आंतरिक दुश्मनों से, बाहरी हमले से? तो भरत कहते हैं हाँ सुरक्षित है। फिर पूछते हैं तुम्हारे राज्य में अगर कोई नया व्यक्ति बाहर से आता है तो उस पर तुम्हें नजर रहती है कि नहीं? कोई भी बाहर से आया, व्यापार करने आया है, ज्ञान देने आया है, सेवा करने आया है, लेकिन उस पर तुम्हारी नजर है कि नहीं? तुमको मालूम है कि नहीं कौन व्यक्ति तुम्हारे राज्य में आ गया? तुम्हारे गुप्तचर तुम्हें वो बताते हैं कि नहीं? तो भरत कह रहे हैं हाँ, कभी बताते हैं कभी नहीं बताते। तो कहते हैं तुम्हारी गुप्तचर व्यवस्था ठीक करो। क्यों पूछ रहे हैं बाहर से आने वाले हर अजनबी पर इतनी नजर क्यों रखना? उनका मालूम नहीं है कैसा है, जब वो रहेगा तब पता चलेगा उसके स्वभाव का, उसके गुण का, उसके कर्म का, अभी तो आया है तुरंत पता नहीं चलेगा। फिर उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे राज्य में चापलूस लोग तुम्हें हमेशा घेरे रहते हैं, जो निपट स्वार्थी, जिनको सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाई देता है वही तुम्हारे आसपास रहते हैं? अगर रहते हैं तो ठीक नहीं है, नहीं रहते हैं तो अच्छा। तो भरत कहते हैं हाँ चापलूस लोग नहीं, कहते फिर ठीक है आने भी नहीं देता, चापलूसों की कोई बात कभी सुनना नहीं। फिर वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे राज्य में ऐसे ब्राह्मणों की संख्या तो नहीं बढ़ गई है जो सिर्फ पैसे के लिए करते, पैसे के लिए ही सब करते, पैसे के लिए राम की कथा कहना, पैसे के लिए कृष्ण की कथा कहना, 50 लाख में राम कथा कहना, 75 लाख में कृष्ण की कथा कहना, ऐसे लोग तो नहीं बढ़ गए? अगर बढ़ गए हैं तो अंकुश लगाओ आज के समय में। मैं आपको चाहूं तो नाम गिना सकता हूं जो राम कथा कहने का 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, एयर कंडीशनर कार, एयर कंडीशनर घर, एयर कंडीशनर हवेली, इसके बिना राम की कथा नहीं करते। और रामचंद्र जी के वनवास का इतना दारुण दृश्य प्रस्तुत करते हैं कि आप रो दें और वो एयर कंडीशन हॉल में बैठकर। राम खुद कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे राज्य में ऐसे ब्राह्मणों की संख्या तो नहीं बढ़ गई है जो सब कुछ पैसे के लिए करते हैं? अगर बढ़ गई है तो तुरंत उस पर काबू करना, नहीं तो राज्य हस्तांतरण में जाएगा। फिर एक और प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हारे राज्य के जो गुप्तचर जो तुम्हें सूचनाएं लाते हैं बाहर से, उनमें कोई विदेशी तो नहीं? तो भरत पूछते हैं विदेशी होने का मतलब जिसका जन्म तुम्हारे राज्य के बाहर हुआ, ऐसा कोई गुप्तचर तो नहीं? धोखा हो सकता है।
हम तो बाहर के जन के लिए वो उनको प्रधानमंत्री बनाने को तैयार हैं और डेमोक्रेसी के नाम पर। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि बाहर के राज्य में जन्म लिया हुआ व्यक्ति दूत बनने के लायक भी नहीं है। प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है, राष्ट्रपति होना तो उससे भी आगे की बात है। वो तो दूत बनने के लायक नहीं है जो तुमको संदेश लाके दे, क्योंकि उसकी निष्ठा कभी भी बदलेगी तो धोखा होगा। इसलिए तुम्हारे अपने जो दूतों की व्यवस्था है उसमें कोई विदेशी मूल का तो नहीं, सीधा सा प्रश्न है। तो भरत कहते हैं नहीं है। तो राम कहते हैं मुझे शक है कि है जो तुम्हारे राज्य से पैदा नहीं हुए। तो भरत कहते हैं मैं समझ गया आप किन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो बात यह है कि भरत के राज्य में कुछ ऐसे लोग हैं जो केकई के राज्य से आए थे, हाँ, और भरत ने उनको मुख्य स्थान दे रखा, मंत्रिमंडल में दे रखा। केकई का कोई भतीजा है, युद्धावर के उसका नाम है, उसको ले रखा है मंत्रिमंडल। तो इशारा राम का उधर है कि दूसरे राज्य का है, जन्म तो वहां लिया, तुम्हारे यहां मंत्री बनकर बैठा है, कब निष्ठा मंत्री की मालूम नहीं। तो भरत समझ जाते, कहते हैं मैं अभी जाते ही व्यवस्था ठीक करता हूं। मैंने राम का इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर है कि दूसरे राज्य में पैदा हुआ व्यक्ति तुम्हारा अतिथि बनकर रहे तो ठीक है, तुम्हारे मंत्रिमंडल में नहीं आना चाहिए, तुम्हारे दूत के रूप में नहीं आना चाहिए, मैसेंजर के रूप में नहीं आना चाहिए। अब हमारे यहां क्या है, डेमोक्रेसी के नाम पर सब धन धान पसेरी, सब दान जो है ना पसेरी, कोई भी आ जाए, विदेशी राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, और हम उसको लिबरलाइजेशन मानते हैं। राम से ज्यादा लिबरल कोई हुआ नहीं है। वो खुद कहते हैं कि ये हो नहीं सकता, अगर है तो तुरंत चेंज करो, लक्ष्मण चेंज करो, मैं भरत कहते हैं कि मैं बदल जाऊ। फिर उसके बाद एक और महत्व की बात कहते हैं राम, जो आज के समय में बिल्कुल लागू होती है, हम उसको समझना चाहें तो इससे समझते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में मुद्रा स्फीति तो नहीं, इन्फ्लेशन जिसको हम कहें, तो महंगाई तो नहीं, महंगाई तो नहीं बढ़ रही, अगर बढ़ रही है तो काबू में करो, और नहीं बढ़ रही है तो ठीक है। तो भरत पूछते हैं, ये बहुत डिटेल में है कंबल राम, भरत पूछते हैं कि अगर मुद्रा स्फीति बढ़े तो क्या करो। तो कहते हैं कि उत्पादन की व्यवस्था सुधारो, क्योंकि उत्पादन कम होता है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है, करेंसी का चलन ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, तो चीजें तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी, इसलिए उसको कंट्रोल करके रखना है। मुद्रास्फीति तो नहीं बढ़ रही है, अगर बढ़ रही है तो कंट्रोल, माने महंगाई तो नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है तो काबू में रखो, माने महंगाई बहुत बड़ा अभिशाप है राम राज्य के लिए, राम राज्य में महंगाई नहीं होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे जो अधीनस्थ हैं, छोटे या बड़े, सबको पगार तनखा समय से मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि एक तारीख का दिन निश्चित है और 20 तारीख को तनखा मिलेगा, दो महीने बाद मिलेगा, 3 महीने बाद मिलेगा, सबकी पगार समय से मिलती है। अगर मिलती है तो विद्रोह नहीं होगा, नहीं मिलती तो व्यवस्था में विद्रोह होगा, राज्य चलाना मुश्किल हो जाएगा। फिर रामचंद्र जी पूछते हैं कि तुम अतिथियों का स्वागत करते हो अपने राज्य में, अतिथि देवो भव की हमारी जो रघुकुल की परंपरा है उसका निर्वहन करते हो। तो भरत कहते हैं हाँ। फिर वो पूछते हैं कि तुम्हारे राज्य के जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े और बच्चे, उनके प्रति तुम्हारा रवैया कैसा, जवान है वो तो छोड़ो, जो बुजुर्ग है और जो बच्चे हैं उनके प्रति तुम्हारा व्यवहार कैसा है, उनको अतिरिक्त स्नेह की, प्रेम की, करुणा की जरूरत है, क्या मिलता है। तो भरत कहते हैं हाँ मिलता है, ऐसा ही मिलता है जैसे तुम पिताजी को देते थे। एक और प्रश्न करते, दशरथ को जिस तरह से तुम स्नेह करते थे, प्रेम देते थे, ऐसा राज्य के सभी बुजुर्गों को प्रेम और स्नेह मिलता है राज्य की तरफ से। अगर मिलता है तो राज्य ठीक है, नहीं मिलता है तो ठीक करो। माने वहां दृष्टि है राम की, जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं।